साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और आज हम देख रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 की। हमारी जो है तीसरी क्लास रहने वाली है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारी दो क्लास हुई है और वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको जो है मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो है परीक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी है आर्थिक समीक्षा, आपने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में हमने जो है पहले वाली क्लास देख ली, जिसमें हमने देखे थे महत्वपूर्ण आंकड़े, GDP देखी थी, GSDP देखी थी, और हमने जो है अटल भूजल योजना और बहुत सारी योजनाएं देखी थी। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर रहेगा उद्योग, खान एवं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से रिलेटेड रहेगा, जिसमें वर्ष 2023-24 के अंदर, देखो वर्ष 2023-24 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर, जो पोर्टल है उस पर कुल 4,70,676 जो है MSME इकाई पंजीकृत की गई है। तो ये डेटा पूछा जा सकता है, इसमें ध्यान रखना 4,70,676 जो है MSME इकाई पंजीकृत की गई है। आगे देखो निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, निवेश संवर्धन जो ब्यूरो है BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन, तो निवेश संवर्धन ब्यूरो के अनुसार 2023-24 के दौरान 24,681 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। 23-24 के अंदर 24,681 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में टफ आता है आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे देखो वर्ष 2023-24 में देश में निवेश बढ़ाने हेतु निम्न समिट आयोजित हुई है। तो प्रदेश में और देश में जो है निवेश को बढ़ाने के लिए जो है महत्वपूर्ण समिट हुई है, मतलब बैठ के आयोजित हुई है। कौन कौन सी हुई है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था 2023 के अंदर, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर जो है ये इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात नाम से जो है एक समिट हुई थी, यह हुई थी गांधीनगर गुजरात के अंदर। और उसके बाद जो है तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर मीट, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। वाइब्रेंट गुजरात जो है गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ था। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन जो है दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसके बाद हम बात करें तो मोबिलिटी मीट जो है दिल्ली में आयोजित हुई थी, भारत टेक समिट भी दिल्ली में आयोजित हुई थी, और लॉजिस्टिक समिट जयपुर में आयोजित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रखना। लॉजिस्टिक समिट की बात करें तो ये जयपुर में आयोजित हुई थी, और भारत टेक समिट दिल्ली में हुई थी। दिल्ली से टैक्स लगते हैं सारे, तो दिल्ली में जो ये ध्यान रखना कि दिल्ली में जो समिट आयोजित हुई थी। और लॉजिस्टिक की बात करें तो लॉजिस्टिक समिट जो है जयपुर में आयोजित हुई थी। आगे देखो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड द्वारा 2023-24 में 1,266.72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मतलब 1,266 एकड़ भूमि का क्या किया गया? अधिग्रहण किया गया है। और ये किसने किया है? रीको ने। किसने किया दोस्तों? रीको ने ये जो है अधिग्रहण किया है। क्यों किया है? इसके अंतर्गत देखो क्या कर रहे हैं, ये 10 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। कितने? 10 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, जिसमें ओसियां जोधपुर के अंदर, राजास नागौर के अंदर, नाडोल पाली के अंदर और बरकाना पाली के अंदर। तो ये नागौर, ये पाली के अंदर दो हो गए, नाडोल और बरकाना, ठीक है। और ओसिया जोधपुर के अंदर है ही, राजास नागौर के अंदर है, और धर्मपुरा बाड़मेर के अंदर है, मालकी टूस उदयपुर में, और मालवा चौरा ये कहाँ है? उदयपुर में है। तो दो पाली में, दो उदयपुर में है। तो मालका टूस और मालवा का चौरा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। धर्मपुरा बाड़मेर में है। कुंज बिहारीपुरा कहाँ है? जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जयपुर के अंदर कौन सा है? कुंज बिहारीपुरा। तो रीको ने अभी 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है, जिसमें ओसिया जोधपुर में, राजास नागौर में, नाडोल पाली में, बरकाना पाली में, धर्मपुरा बाड़मेर में, मालकी टू उदयपुर के अंदर, मालवा का चौरा उदयपुर के अंदर, और कुंज बिहारीपुरा जयपुर के अंदर जो है ये बात कही गई है। उमरिया झालावाड़ और नैनवा बूंदी के अंदर भी क्या है? उमरिया झालावाड़ के अंदर और नैनवा बूंदी के अंदर भी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो रीको द्वारा जो है दो विशेष पार्क का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो दो विशेष पार्क कौन कौन से ही है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो रीको द्वारा जो दो विशेष पार्क हैं वो है, एक तो मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि बोरोनाडा जोधपुर के अंदर, बोरोनाडा जोधपुर के अंदर मेडटेक
मेडिकल डिवाइस पार्क है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है जम्मा रामगढ़, कहाँ पर? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है जम्मा रामगढ़ थोलाई जयपुर के अंदर है, ठीक है। अन्य विशेष क्षेत्र की हम बात करते तो स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जो है, स्पोर्ट्स मतलब खेल के जो सामान हैं और टॉयज जोन है जो खेल के सामान है, वो खुशखेड़ा में, और खुशखेड़ा कहाँ है? अलवर के अंदर, अलवर के अंदर क्या है? खुशखेड़ा। तो पूछा जा सकता है दोस्तों सीधा सीधा कि स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कहाँ पर है, तो खुशखेड़ा अलवर के अंदर। आगे देखो, इंडिया स्टोन मार्ट की जो है 12th अभी सबमिट हुई थी, जो कब हुई थी? 1 से 4 फरवरी 2024 को। ये मैंने फरवरी वाले करंट अफेयर में भी आपको बताया था, तो करंट अफेयर की क्लासेस भी जो है रेगुलर चल रही है, आप जो है देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है और इवनिंग में आपके आर्थिक समीक्षा की क्लास हो रही है। इंडिया स्टोन मार्क जो है 1 से 4 फरवरी 2024 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में, सीतापुरा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता कौन कौन थे? फिक्की राज्य सरकार और रिको, रिको राज्य सरकार और फिक्की के जो है सहयोग से, संयुक्त तत्वाधान से यह आयोजन किया गया था। यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है। यहाँ पर जो है देश विदेश के पत्थर लाए जाते हैं और यहाँ पे इनका प्रदर्शन किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जयपुर में आयोजित हुआ था स्टोन मार्क, कौन सा था? ये 12th नंबर का था। आगे देखो, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की हम बात करें तो ये एक योजना है जिसमें 18 से 45 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो पात्र हैं, और इसमें जो है 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीदने पर, मतलब कोई अगर कॉमर्शियल व्हीकल हम खरीदते हैं, जैसे लोडिंग टेम्पो हो गया या कोई कॉमर्शियल व्हीकल कोई भी हो गया, अगर 15 लाख, जिसका रजिस्ट्रेशन कौन सा है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मतलब, और आसान लैंग्वेज में समझाऊं, जिन भी गाड़ियों की पीली पट्टी है, पीली पट्टी देखी होगी ना, नेम प्लेट जो पीली आती है ना, पीले कलर की, तो उनके अंदर अगर वो 15 लाख रुपए तक का कोई खरीदते हैं तो ऑन रोड कीमत पर क्या होगा? 10% ऑन रोड कीमत पर, मतलब ऑन रोड कीमत पर 10% या 60,000 रुपए की इसमें जो है छूट मिलेगी, सरकार इसमें छूट दे रही है ना। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंदर है कि अगर आप कोई सरकारी वाहन खरीदते हैं कोई रोजगार करने के लिए, सरकारी वाहन मतलब कोई आप वाणिज्य कॉमर्शियल वाहन खरीदते हैं तो आपको क्या है? छूट मिलेगी इसके अंदर। कितनी मिलेगी? ऑन रोड जो प्राइस है व्हीकल का, जैसे मान लो ऑन रोड प्राइस है 10 लाख रुपए, तो उस पर 10% की छूट मिल जाएगी। अगर 10% जो है 10 लाख का कितना होगा? 1 लाख रुपए, तो 1 लाख की छूट नहीं मिलेगी उस पर। फिर अधिकतम कितना है? 60,000 भी डिसाइड किया होगा कि अधिकतम 60,000 की, और जो मिनिमम 10% की, जो नॉर्मली 10% की छूट मिलेगी। अब बोले सर 1 लाख पे 60,000 की मिल रही है, मतलब 10 लाख पे 60,000 की मिल रही है, मान लो कोई 5 लाख का है तो उसका 10% कितना हो गया? 50,000। लेकिन उसको जो है 10% मतलब 10% छूट मिलेगी, तो 50,000 रुपये की छूट उस पर मिलेगी। अधिकतम 60,000 है, ये ध्यान रखना, अधिकतम 60,000 है और वैसे 10% है। इसकी जो शुरुआत है 11 फरवरी 2022 को हुई थी, कब हुई थी? 11 फरवरी 2022 को। आगे देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का जो है आयोजन योजना है 2022 लाई गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका जो प्रारंभ है 8 सितंबर 2022 को इसका जो है प्रारंभ किया गया, और ये SC ST वर्ग से संबंधित आवेदकों को ही इसमें जो है लाभ मिलने वाला है। तो इसमें लाभ क्या मिलेगा कि अगर 25 लाख से कम अगर कोई ऋण लेता है, 25 लाख से कम अगर कोई ऋण लेता है तो उसको 9% का अनुदान मिलेगा, 25 लाख से 5 करोड़ का कोई जो है कोई उद्यम लगाता है तो उसको उस पे जो लोन है उस पे 7% का अनुदान मिलेगा, और 5 करोड़ से 10 लाख, 10 करोड़ तक की जो लागत है उस पे 6% का जो है अनुदान मिलेगा ब्याज पर। ब्याज पर अगर ये है, जैसे मान लो कोई ऋण ले रहे हैं तो अगर 25 लाख तक का कोई ऋण लिया जाता है तो उस पर 9% का ब्याज पर अनुदान मिलेगा, 25 लाख से अगर 5 करोड़ तक की बात है तो 7% मिलेगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की बात है तो उस पर 6% मिलेगा ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान राशि भी दी जाए जाती है, मतलब परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए हो, उसके अलावा, इसके अलावा भी क्या है, ऋण पे छूट तो मिल ही रही है, साथ साथ जो भी 25%, मान लो कोई भी जो है परियोजना की लागत है उसका 25% या 25 लाख रुपए जो भी कम है अनुदान की राशि भी उसमें दी जाएगी। राजस्थान खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, यहाँ पर 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिसमें से 58 खनिजों का क्या किया जा रहा है? खनन कार्य किया जा रहा है,
81 जहां पर जो है भंडार है, जिसमें से जो है 58 खनिजों का क्या किया जा रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है। प्रमुख खनिज कौन कितने हैं, 148 प्रमुख खनिज है, जिसमें लघु खनिज है 16,817 और खदान लाइसेंस कितनी है, 17,454। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है, 14.95% कितना है योगदान, किसका है, राज्य का योगदान है। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है, 14.95%। नए तेल ब्लॉक की हम बात करें तो जैसलमेर जो है नया तेल ब्लॉक यहाँ पे मिला है, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड और मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने क्या किया है, इसको जो है ये तेल ब्लॉक मिला है, ऑयल इंडिया OIL, आपने देखा ऑयल इंडिया लिमिटेड और मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो है यहाँ पर तेल के नए ब्लॉक के लिए काम किया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की हम बात करें तो इसको जो लागू करने का काम हुआ था 7 अक्टूबर 2022 को, कि राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य में तीव्र स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को अधिक व्यापक बनाने के लिए, 2019 में भी जो है राजस्थान निवेश योजना चल रही थी तो उसको भी और अधिक व्यापक बनाने के लिए और जो है स्थायी तीव्र और स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास के लिए जो है ये योजना लाई गई है। इसमें जो है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सालाना 15% जो है वृद्धि की बात की गई है और 2027 तक 10 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है। कितना, 10 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है 2027 तक। संतुलित एवं समावेशी विकास की बात की गई है। हरित हाइड्रोजन और वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि का जो है प्रोत्साहन संरक्षण करने की इसमें बात की गई है। ठीक है, आगे देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की हम बात करें तो ये 19 मई 2023 को जो है ये प्रारंभ किया गया और इसकी जो आयु है वो है 18 से 35 वर्ष। कितनी, 18 से 35 वर्ष इसमें जो है आयु रखी गई है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन मतलब युवाओं के लिए अगर कोई अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो 19 मई 2023 को ये शुरू की गई थी। इसमें जो है पात्र रखे गए हैं वो है 18 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको पात्र माना गया है। और इसके अंदर क्या है कि अगर राज्य के न्यूनतम स्नातक मतलब किसी ने न्यूनतम स्नातक युवा उद्यमी 18 से जो 35 साल का है वो अपना नया उद्यम विनिर्माण सेवा या व्यापार में शुरू करना चाहता है तो बैंक द्वारा जिसमें क्या है ऋण प्रदान किया जाएगा कि कोई उद्यम को शुरू करने के लिए अगर किसी को लोन चाहिए 18 से 35 वर्ष की आयु तक के बालक को या आदमी को व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन के अंतर्गत वो 25 लाख का लोन लेता है तो उसको ब्याज पर 8% का अनुदान मिलेगा। अगर 25 लाख से 1 करोड़ तक का जो है ऋण लेता है तो उसे 6% जो है अनुदान मिलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के लिए हम बात करें तो छोटे पैमानों के उद्यमों के विस्तार और आधुनिकरण के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 8% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% का जो है ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो गई और ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन जिसमें 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% का अनुदान दिया जाएगा। और इसका एक कदम आगे कि इसमें जो है एक हो गया 25 लाख और ये हो गया 25 लाख से 5 करोड़ और इसमें हो गया 5 करोड़ से 10 करोड़। तो 25 लाख तक के पे कितना मिलेगा, 8%, और 5 करोड़ तक के पे 6% और 10 करोड़ तक के पे 5% जो है अनुदान इस पे मिलेगा। आगे देखो, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 की बात करें तो 12 जून 2019 को ये वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है और एमएसएमई इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट दिया जाता है जो कि नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो कि एक पावती प्रमाण पत्र होता है। मतलब एमएसएमई जो हमारा एमएसएमई इकाई है उसको जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट दिया जाता है। मतलब अगर कोई भी उद्यमी देखो क्या है, इसमें पावती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 साल तक का एक एमएसएमई का एक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन निरीक्षण करने की छूट प्रदान की जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब यह है, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, इसका मतलब यह है कि कोई भी उद्यमी उद्यम स्टार्ट कर सकता है। कितने तक का,
5 साल कोई भी उद्यमी उद्यम स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने उद्यम स्टार्ट कर लिया, पहले परमिशन की और किसी भी चीज के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, आप उद्यम शुरू कर दो। फिर आप क्या है, ऑनलाइन जो पोर्टल है, वेब पोर्टल है, उस पर एक एप्लीकेशन लगाओ और बोलो कि आप, मैंने जो ये उद्यम स्टार्ट किया है, तो आप इसका जो है निरीक्षण कर सकते हो। उद्यम स्टार्ट करने के बाद भी आप जो है कागज की पूर्ति कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो आप ऑनलाइन कर दोगे तो ऑनलाइन पे जो है पावती प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, एमएसएमई जारी करेगा वापस चेक करने के बाद, मतलब उद्यम स्टार्ट करने के बाद आपका जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। ठीक है, तो यह है, तो अनुमोदन निरीक्षण करने की छूट प्रदान की गई है एक तरह से। 5 साल तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मान लो आपने आज जो है उद्यम स्टार्ट किया, तो आप जो है तीसरे साल या चौथे साल या पांचवें साल जो है क्या कर सकते हो, ये पावती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने उद्यम स्टार्ट किया तो आपका निरीक्षण हो जाएगा और आपको जो है उद्यम को बंद करना पड़ेगा अगर कमी पाई गई तो, ऐसा नहीं है। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन लगा देना है 5 साल तक एक एमएसएमई, राज्य एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट प्रदान करने की जो है पावर दी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का आर्थिक समीक्षा हो गई। आगे हम निर्यात वाला सेक्शन देखेंगे, तो आज की जो आर्थिक समीक्षा है वो हमने देख ली है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहें, आर्थिक समीक्षा की क्लास रेगुलर रह रही है और करंट अफेयर की क्लास भी आपकी रेगुलर हो रही है, तो चैनल पे बने रहिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।